पुलिस की सक्रियता के चलते दमोह जिले के जबेरा थाना अंतर्गत आने वाली सिग्रामपुर चौकी के अंतर्गत रानी दुर्गावती पार्क के पास गांजा बेचने की फिराक में बैठे अमित और नीरज ठाकुर नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको गिरफ्तार करने के साथ ही इनके पास से करीब 2 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। कल 2021 मुखबिर द्वारा अवैध गांजा की सूचना प्राप्त हुई, जो सूचना पर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर स्टाफ को लेकर पहुंचा था, जहां पर आरोपी अजय ठाकुर एवं नीरज ठाकुर को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी ली गई, जिनके कब्जे से 2 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसको मौके पर जब्त किया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराध धारा 8/20 में पंजीबद्ध कर आरोपी गांव को माननीय न्यायालय पेश किया गया। सर, इसकी कीमत क्या होगी? 2 किलो गांजा कीमती करीब 20,000 रुपये।